15 अगस्त 1947, जब भारतवासियों को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। आज आज़ादी के 74 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सरकार ने भारत के गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी के मतवालों को हम याद कर उनकी महान गाथाओं से खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसी ही एक महान गाथा है धर्म की नगरी वाराणसी के उस अद्भुत मंदिर की, जो भारत माता के नाम से जानी जाती है। 25 अक्टूबर 1936 में महात्मा गांधी जी के हाथों इसका उद्घाटन हुआ और बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी का यह विचार था कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी जाति धर्म समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, तो क्यों ना ऐसा मंदिर बने जहाँ पे सभी देश के जाति के धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के इस मंदिर में आके दर्शन कर सके, क्योंकि देश भी आज़ाद नहीं हुआ था और अंग्रेजों से लड़ना भी था। तो बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने इस मंदिर की स्थापना कराया। कहने को तो यह एक मंदिर है, लेकिन अंदर प्रवेश करने के बाद आपको न यहाँ पर कोई प्रतिमा मिलेगी, न ही किसी भगवान की कोई तस्वीर, क्योंकि इस भव्य मंदिर के अंदर 1917 के अखंड भारत का अद्भुत 3D मानचित्र मौजूद है। इस मैप में कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक को अखंड भारत के रूप में दर्शाया गया है। बनारस में मौजूद यह भव्य मंदिर निर्माण की अद्भुत मिसाल है। मंदिर में इस्तेमाल हुए लाल पत्थर, मकराना मार्बल और अन्य निर्माण सामग्री इस मंदिर को और भी भव्य बना देते हैं। 1917 के बाद इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई थी। और ये जो बना है मकराना मार्बल का बना है, और ये जो बना है 1917 के मैप के आधार पर बना है, इसलिए इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तिब्बत, बर्मा, बांग्लादेश इन सभी को दर्शाया गया है। और स्केल बाय स्केल मैपिंग की गई है, समुद्र तल की गहराई से लेकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक दूरी सब कुछ दर्शाया गया है। 1 इंच में 2000 फुट के हिसाब से समुद्र तल की गहराई और उसी हिसाब से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को दर्शाया गया है। 1 इंच में 6.4 मीटर लंबाई, लगभग 9.5 किलोमीटर लंबाई को दर्शाया गया है। 2 बड़ी नदियाँ, 800 छोटी नदियों को दर्शाया गया है। 450 माउंटेन की चोटियों को दर्शाया गया है। और एक यही मंदिर है जहाँ पे ऊपर राष्ट्रीय ध्वज भी लगा है भारत माता का। साल 1924 में मंदिर बनकर तैयार हुआ। अंग्रेजों ने इस पर सख्ती दिखाई और मंदिर को खुलने नहीं दिया। हालांकि 12 साल बाद महात्मा गांधी ने अक्टूबर 1936 में इस मंदिर का उद्घाटन किया। वाराणसी के चंदवा सब्जी मंडी इलाके में स्थित यह मंदिर देशभक्त और राष्ट्रवादी लोगों के लिए बड़ा केंद्र है। आज़ादी के मतवालों की तस्वीरें इस मंदिर में लगे शिलापट पर मौजूद हैं। इन तस्वीरों में महात्मा गांधी से लेकर उस वक्त के महान क्रांतिकारियों की तस्वीरें मौजूद हैं जो आज़ादी की कहानियां बयां करती हैं। क्योंकि बाबा श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने सन 1918 में भारत माता मंदिर की स्थापना, 1920 में आज अखबार की स्थापना, उस समय जो थे आज़ादी से रिलेटेड जितने भी लोग हुआ करते थे उनके यहाँ ये पेपर निःशुल्क जाया करता था, और अंग्रेज छापा मारा करते थे तो चोरी छुपे आज यहाँ छप रहा है तो कल वहाँ छपा करता था। और 1921 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कराया, क्यों जो कि उस समय जो भी क्रांतिकारी हुआ करते थे उनको कहीं एडमिशन नहीं हुआ करता था, तो इसलिए बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कराया ताकि कोई भी स्वतंत्रता सेनानी हो, यहाँ पर गरीब हो, वहाँ के सके। दुनिया में यह एक लौता ऐसा मंदिर है जहां पर अखंड भारत की पूजा होती है। आजादी की लड़ाई में भारत माता मंदिर बहुत बड़ा योगदान दे चुका है। आजादी के मतवालों के अंदर भारत माता के प्रति श्रद्धा और आस्था जगाने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर की रूपरेखा राष्ट्ररत्न बाबू श्री प्रसाद गुप्त जी ने रखी, लेकिन 1936 में महात्मा गांधी के हाथों इस मंदिर का लोकार्पण हुआ। तब से आज तक यह मंदिर आज़ादी के मतवालों के लिए बड़ा आस्था का केंद्र है, और आज भी काशी आने वाला कोई पर्यटक बिना भारत माता मंदिर में दर्शन किए यहाँ से नहीं लौटता है। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ETV भारत।